एम्स दिल्ली दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मैं अभी क्लास 12th में हूँ एंड नीट 2025 के प्रिपरेशन करता हूँ, और वो प्रिपरेशन मैं PW के लक्ष्य नीट 2025 बैच से करता हूँ। तो हम सबके टारगेट यानी नीट 2025 को बचे हैं सिर्फ 206 डेज, और अभी मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 554 डेज हो चुके हैं। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो लगभग 25 महीने बाकी थे, बट अब बस 6 महीने ही बाकी रह गए हैं। और आज लक्ष्य नीट 2025 में प्रैक्टिस टेस्ट 6 है, और चूंकि मैं बैच प्राइम में एनरोल्ड हूँ तो मेरा तो सारा टेस्ट वही भी ऑफलाइन ही होता है PW पाठशाला सेंटर पे। तो ये मेरा 9 बजे पेपर था, तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया। तो ये मेरा एग्जामिनेशन पैड है और इस पर मेरा सारा सिलेबस चिपका हुआ है, लाइक ऊपर वाला तो ITS का है एंड नीचे वाला प्रैक्टिस टेस्ट 6 का है जो कि 6 सितंबर 2024 को है, यानी आज। और इसमें फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है और रे ऑप्टिक्स आ रहा है। तो रे ऑप्टिक्स में ये पूरा स्फेरिकल मिरर तक आ रहा है, और यही तक सर ने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था और उसके कुछ क्वेश्चन कराए। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड EM वेव तो ठीक ठाक है, रे ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छा हुआ है, लाइक वो सारा लग रहा है कि क्लास 10 का ही पढ़ा हुआ है। और केमिस्ट्री में तो अमीन्स एंड बायोमोलिकुल्स हैं, और फिर बॉटनी में बात करें तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, और इकोसिस्टम तो हट गया है, लास्ट वाले सिलेबस में था, बस इस सिलेबस में नहीं है। और फिर अगर जूलॉजी में बात करें तो बायोटेक 2 आ रहा है जीन थेरेपी तक। तो केमिस्ट्री में तो मेरा ठीक हुआ है, पर बायो में उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाया है, क्योंकि जूलॉजी में 2 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो उसकी वजह से मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाया है। और आज है 6 अक्टूबर 2024, और आज प्रैक्टिस 6 है, और 20 अक्टूबर को यानी 2 हफ्ते बाद है प्रैक्टिस 7। तो अभी मैं सुबह उठा और एक बार थोड़ा सा अपना शॉर्ट रिवीजन कर लिया, तो मेरे जो ऑर्गेनिक में जो लास्ट चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, उसके मेरे नोट्स उतने ही अच्छे से बन पाए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है एंड बहुत ज़्यादा थ्योरी, उसमें बस लिखना ही लिखना है। तो इसलिए उसका मैंने एक लेक्चर के बाद नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा था, लाइक बस स्ट्रक्चर है, बस ये है, ये स्ट्रक्चर है। और एक केमिस्ट्री में ADG में उस बायोमोलिकुल चैप्टर का पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सारी थ्योरी भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो उसी से रिविजन करो। और फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स का ADG है ये, जिसमें कि सारे शॉर्ट नोट्स इंक्लूडेड हैं, तो उससे मेरा शॉर्ट नोट्स का प्रैक्टिस हो जाता है। तो अगर आपको भी कोई भी ADG लेनी हो तो आप इसको PW स्टोर से बाय कर सकते हैं, और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है SVM150 सारा कैलकुलेटर में, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे सेंटर पर आज 9 बजे से पेपर था, तो मैं पहले थोड़ा चला गया, लगभग 8:40 तक चला गया, और उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमा। तो ये है मेरे PW पाठशाला सेंटर का कुछ व्यू, आप देख सकते हैं। और 1 अक्टूबर से PW NSET का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया, तो आप लोग चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। और आज ऑफलाइन भी NSET का एग्ज़ाम यहाँ पे सेंटर पे होने वाला है 2 बजे से, और फिर 15 अक्टूबर को होगा ऑफलाइन, और 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन डेली होते रहेगा। और ये हमारे प्यारे अलग सर को देख सकते हैं आप। तो फिर मैं 9 बजे टेस्ट देने अपने क्लासरूम में चला गया अपने PW के बॉटल लेके। तो 9 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ और 12:20 तक टाइमिंग रहती है, बट मेरा पेपर 11:30 बजे ही हो गया, तो मैं तभी आ गया। और आज सेंटर बहुत ज़्यादा पेपर भी था, और उसके बाद तुरंत आंसर की भी मिल गया, तो उसको मैं साइन करने लगा, और रेड पेन तो यहाँ पे नहीं मिला, तो ये इस केस से ही काम चला रहा हूँ। तो फिजिक्स खोलते ही पहले पेज पे 3 क्वेश्चन गलत हो गया, और ये सारा रे ऑप्टिक्स का ही था, मैक्सिमम क्वेश्चन में रे ऑप्टिक्स के ही थे, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आगे के सिलेबस आ गए थे, तो उसको तो मैंने अपने 10th के ज्ञान के हिसाब से करा, बट कुछ कुछ उसमें से गलत हो गए। तो हर पेज में ऐसे गलत निकलते ही जा रहा था, बट हाँ सेक्शन बी में कोई गलत नहीं निकला। तो अगर फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी एमाइंस में स्टार्टिंग का था, और फिर सेक्शन बी में ज़्यादातर बायोमोलिकुल का क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री तो ठीक ठाक गया, मतलब बहुत अच्छा गया, सबसे अच्छा केमिस्ट्री गया मेरा, लगभग 30 मिनट में ही मेरा केमिस्ट्री हो गया था। और फिर बॉटनी जब मैं पेपर दे रहा था तो लग रहा था कि अच्छा जाएगा, बट जब मैंने साइन करा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने लगे, और ये सारे क्वेश्चन लाइक अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर फिर भी अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, इसको अच्छा कुछ ना कुछ गलत होने लगता है। और हाँ, इसमें ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चन आया था, बस पॉपुलेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था। फिर अगर जूलॉजी की बात करें तो मुझे तो थोड़ा डर लगा था कि लास्ट वाला पूरा चैप्टर से ना आ जाए, बस Gen 3 पे देखा है, क्योंकि मैंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा था। पर हाँ, आगे क्वेश्चन नहीं आया, Gen 3 तक ही क्वेश्चन आए थे, हाँ सेक्शन बी में थोड़ा आगे क्वेश्चन आ गए थे। तो फिर अगर सारे हिसाब से की बात करें तो फिजिक्स में मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए, सबसे गलत हुए फिजिक्स में, तो उसमें मेरा 40 मार्क्स गया और 140 आया है। और केमिस्ट्री में 3 गलत हुए तो मेरा 165 नंबर आया है। फिर बॉटनी मेरे 4 गलत हुए तो 160 नंबर आ रहा है। और जूलॉजी मेरे 5 गलत हो गए तो 155 नंबर आ रहा है। तो जूलॉजी में तो इतना कम एक्सपेक्टेड नहीं था, बट सबका जोड़ के लगभग 620 नंबर आ रहा है, और जिसके बन रहे हैं 86%। तो ये नीट 2023 तक के हिसाब से तो ठीक नंबर है, बट नीट 2024 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। पर हाँ, लास्ट टेस्ट से थोड़ा अच्छा रहा था, क्योंकि लास्ट टेस्ट में मेरे 515 नंबर आ रहे थे। और अगला टेस्ट आने वाला है 20 अक्टूबर को, तो उसके लिए अब टाइम मिल गया है 2 हफ्ते का, तो उसको भी अच्छा से रिवाइज करना है। तो आज मुझे इसका पेपर एक और एक्स्ट्रा मिल गया था, तो उसका मैंने एक PDF बना लिया और इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लाइक ऑनलाइन करते हैं और पेपर ऑफलाइन देता है, तो पेपर एक दिन बाद आता है PDF उसका, तो मैं इसको आज ही अपलोड कर दिया था।
तो आप लोग इसको प्रिंट करके संडे को ही टेस्ट दे सकते हैं। बट हाँ, ये इलीगल है ऐसे PDF प्रोवाइड करना, बट हाँ टेस्ट ऑफलाइन सेंटर पर हो गया है और सबको टेस्ट पेपर मिल ही गया होगा, तो ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मैं इसका आंसर की नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो तो अगले दिन ही आएगा जब बैच में अपलोड होता है। तो इसको आप ऑफलाइन अच्छा से टेस्ट देकर OMR में, और इसके बाद अपना लक्ष्य नीट बैच खोलकर इसमें टेस्ट खोलकर और इसमें सारे क्वेश्चन फिल कर सकते हैं जो भी आपने टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं अपने इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।